वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट की, क्लास टेंथ केमिस्ट्री। ठीक है, बात करते हैं जो एसिड बेस और सॉल्ट जो चैप्टर है, इसमें ये सॉल्ट कैसे आता है। तो क्या करेंगे हम, एसिड में बेस मिला देंगे तो क्या आ जाता है, सॉल्ट और वाटर। तो हम ये जाने कि ये जो सॉल्ट है वो किस तरीके से आता है, जब एसिड में बेस मिलाया जाता है या बेस में एसिड मिलाया जाता है सॉल्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन अब हम एसिड और बेस को पहचानने के लिए किस चीज का यूज, पता कैसे लगेंगे कि ये एसिड है या बेस है, तो इनको बताने के लिए एक होता है इंडिकेटर। क्या होता है बेटा, इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है कि एसिड है और ये बेस है। अब इंडिकेटर इंडिकेट कैसे करता है, वो करता है कलर चेंज करके। क्या चेंज करके बेटा, कलर। अब कलर क्यों चेंज करता है ये, क्योंकि इसके अंदर होती है बेटा डाई, जो रेस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए। डाई विच रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ठीक है, तो इंडिकेटर इंडिकेट करता है क्योंकि वो क्या करता है, चेंज कर देता है कलर। ठीक है, अब ऐसे कौन से इंडिकेटर है जो चेंज कर देते हैं कलर को, जब एसिड डाला जाता है या बेस डाला जाता है। तो इंडिकेटर भी बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें केवल थ्री पढ़ने हैं, नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, एंड थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी। ये तीन इंडिकेटर हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेट करते हैं किसी को भी एसिड है या बेस है। अब देखते हैं किस तरीके से इंडिकेट करते हैं। पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे जो लिटमस है वो लाइकन प्लांट से प्राप्त मिलता है, लाइकन प्लांट। ठीक है, और जो नेचुरल है जैसे आपकी हल्दी है जिसको टर्मरिक कहते हैं, टर्मरिक, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। रेड का बेस है। ठीक है, लेकिन हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट की, तो वो लिटमस है। ठीक है, लिटमस किससे मिलता है, लाइकन प्लांट से। ठीक है, उधर आर्टिफिशियल इंडिकेटर की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोथलीन, फिनोथलीन। ठीक है, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर हो गए, ये आपके आर्टिफिशियल हो गए, और ये है बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, जो रिलेट होता है, रिलेटेड होता है स्मेल से, रिलेटेड टू स्मेल। मतलब एसिड और बेस को ऐसे इंडिकेटर में डालने पर या तो स्मेल आएगी या नहीं आएगी, तो इनकी भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं लिटमस की। ठीक है, लिटमस है, इसके बारे में जानेंगे कि जो लिटमस है उस पर अगर एसिड डालोगे तो रेड कलर आता है, बेस डालोगे तो ब्लू कलर आता है। इस चीज को हम टेबल की फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, तो हम अभी नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में समझेंगे, और फैक्ट्री को थोड़ा बाद में समझेंगे। ठीक है, हेलो, तो ये है बच्चों टेबल। ठीक है, इस टेबल से हम समझेंगे कि लिटमस पर एसिड डालने पर क्या होता है, बेस डालने पर क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज पर एसिड डालने पर क्या होता है, कौन सा कलर आता है, और बेस डालने पर कौन सा कलर आता है, एसिड को फिनोफ्थलीन पर डालने पर कौन सा कलर आता है, और बेस को फिनोफ्थलीन पर डालने पर कौन सा कलर आता है, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आईपीएल देखते हैं सारे बच्चे लगभग, ठीक है, सबको पता होता है, उसमें एक टीम है राजस्थान रॉयल चैलेंजर, जो आज तक जीती नहीं है, लेकिन हम आज उसको जिता देंगे। ठीक है, तो राजस्थान रॉयल चैलेंजर जीत कर बाई पास से निकल गए। ठीक है, ये ट्रिक है ताकि हम पता कर पाए, बच्चों को अच्छे तरीके से पता कर पाए कि कौन किस पर क्या कलर आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एसिड को लिटमस पर डाला जाएगा तो रेड कलर आएगा, बेस को लिटमस पर डाला जाएगा तो ब्लू कलर आएगा, एसिड को मिथाइल ऑरेंज पर डाला जाएगा तो रेड कलर आएगा, बेस को मिथाइल ऑरेंज पर डाला जाएगा तो येल्लो कलर आएगा, एसिड को फिनोफ्थलीन पर डाला जाएगा तो कलरलेस आएगा, बेस को फिनोफ्थलीन पर डाला जाएगा तो पिंक आएगा। ठीक है, और इनकी जो न्यूट्रल कलर है बेटा, जब ये न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, ना कि एसिड, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, तब इनका कलर क्या होता है, पर्पल, ऑरेंज और कलरलेस। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज ही होता है, लिटमस पर्पल होता है। एक लिटमस की खास बात और है, लिटमस ये जो है लाइकन प्लांट से मिलता है, और लाइकन प्लांट जो है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। क्या होता है बेटा, पॉल्यूशन इंडिकेटर। अब पॉल्यूशन इंडिकेटर क्यों होता है, अगर लाइकन की बात करें, लाइकन अगर न्यूट्रल है तो इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है,
अगर एसिडिक है तो कैसा होता है इसका लाइकन का कलर? रेड। और अगर बेसिक है लाइकन तो इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ठीक है, लाइक लिटमस। तो अगर इसका कलर लाइकन का रेड है तो एनवायरमेंट कैसा? एसिडिक। ब्लू है तो एनवायरमेंट कैसा? बेसिक। तो इस तरीके से कलर से हम पता कर लेते हैं कि एनवायरमेंट एसिडिक है या बेसिक। तो इस तरीके से ये एनवायरमेंट को ये भी बताता है कि एनवायरमेंट पॉल्यूटेड है या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, अभी बताया था इसके बारे में कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो होता है रिलेटेड टू स्मेल। ठीक है, स्मेल से रिलेटेड होता है। तो ये ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं, सबस्टेंस हूज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। मतलब ऐसे सबस्टेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड ओनियन एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट और ओनियन एक्सट्रैक्ट दोनों को लेते हैं और इसमें हम एसिड मिला देते हैं तो स्मेल आती है, स्मेल कैन बी डिटेक्टेड। तो ये भी एक तरीके से इंडिकेटर का काम कर रही है दोनों, क्योंकि इनमें ऐसे ही एसिड मिलाया तो स्मेल आ रही है। लेकिन अगर इसमें बेस मिलाया जाता है तो स्मेल नहीं आती, तो हम इससे कह सकते हैं कांट बी डिटेक्टेड। तो हम कह सकते हैं कि स्मेल अगर नहीं आ रही तो वो सबस्टेंस जो ओनियन एक्सट्रैक्ट में मिलाया गया है वो क्या है? बेस। और स्मेल फिर भी आ रही है ओनियन एक्सट्रैक्ट में तो वो सबस्टेंस क्या है? एसिड। क्लियर? तो इस तरीके से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो किससे रिलेट होते हैं? रिलेटेड टू स्मेल। ठीक है,